सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। रिश्तो.com इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असावट फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिन, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करना आहियो। असा सा हजारे सिंधी परिवार जोड़ेल आहिन। पेड मेंबर्स जे लाए फ्री रिश्तो मीट, एक कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सा गड। तपो इंतजार छाजो, खणो फोन ए कांटेक्ट कयो रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लास नगर कैंप 5 पैनल 16 के नूतन नगर के वेलकम गेट का भूमि पूजन स्थानिक नगर सेवक शंकर शेरी लुंड और अमर लुंड के हाथों से किया गया। स्थानिकों ने बताया कि यहां पहले पाइप का गेट बना हुआ था जो काफ़ी पुराना हो चुका था। बीजेपी नेता अमर लुंड और शंकर शेरी लुंड से स्थानिकों ने नए वेलकम गेट बनाने की मांग की थी। स्थानिकों की मांग को देखते हुए पूर्व नगर सेवक शंकर शेरी लुंड और अमर लुंड के प्रयासों से कल इस वेलकम गेट का भूमि पूजन किया गया, जिसके चलते रहवासियों ने लुंड भाइयों का आभार माना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में नूतन नगर के रहवासी इस भूमि पूजन समारोह में मौजूद रहे। गणपति बप्पा जय, अंदाल मूर्ति जय, झूलेलाल झूलेलाल जय झूलेलाल। अरे बाबा नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग उल्लास नगर कैंप नंबर 4 नूतन नगर पांच नंबर में आता है नूतन नगर। यहाँ पर हम लोग खड़े, यहाँ पर खड़ा रहने का एक मकसद, एक जो अपना मिशन था वो यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है। यहाँ पे नूतन नगर के रहवासी है, हम सब ने मिलकर यहाँ पर अमर भाई लुंड, शेरी भाई लुंड, जिनको हम लोग सब लोग कार्य सम्राट कहते हैं, उनके मार्फत यहाँ पर एक जूना कमानी लगी हुई थी जो थोड़ी खराब हो गई थी, उसको नूतनीकरण किया जा रहा है। मतलब नूतन नगर के रहवासी और नूतनीकरण, तो ये जो है कोइंसिडेंटली बहुत अच्छी चीज होने जा रही है। और कमिटमेंट मतलब अमर भाई शेरी भाई हो जाएगा, मतलब अमर भाई श्री भाई, इनके मार्फत जो कार्य किए जाते हैं दोस्तों, ये सिर्फ काम नहीं होते, ये एक लैंडमार्क होते, लैंडमार्क कि यहाँ पर जो चीज बनी है वो बहुत बढ़िया बनती है। और इनके मार्फत काम बताओ, काम होने का आपको रिजल्ट आ जाता है। जैसे कि अभी इन्होंने दत्त मंदिर है सहदनगर की, यहाँ पे दत्त मंदिर, वहां पर भी रोड का काम हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है, वहां पे भी काफी अच्छा रोड बना है। अभी बीच में दो चेंबर्स थे प्रेमनगर टेकड़ी पे जो अदृश्य हो गए थे, मतलब जो मिल नहीं रहे थे, सो रोड के कारण नीचे दब गए थे, और वो उन्होंने ढूंढ कर निकाल कर उसको अच्छे से नया बना दिया है। उसके लिए हम सभी नगरवासी, हम सभी रहवासी उनका हार्दिक आभार मानते हैं। और हम सच्ची में खुश नसीब है जो इन जैसे कार्य सम्राट नगर सेवक दादा गोविंद राम लुंडी जी ने हमको दिए, और इसी तरह इनका साथ हमारे साथ बने रहे और हम भी इनके साथ बने रहे, ऐसी सबसे आशा और सबसे विनंती करते, धन्यवाद, थैंक यू। गणपति बप्पा अंदाल मूर्ति आयो ना, जय श्री राम। आज उल्लास नगर 5 नंबर मध्ये नूतन नगर म्हणून एक एरिया आहे, त्या एरिया मध्ये बरेच वर्षापासून म्हणजे 20-25 वर्षापासून मेन गेट आपल्याला नूतन नगरचं एक बनवायचं होतं। आम्ही साधं पाईपचं एक बनवलं होतं, पण ते गंजून पडल्यामुळे त्या ठिकाणी नवीन नूतन करायचं आहे। आमच्या एरियाचे 2 नगरसेवक धडाडीचे कार्यकर्ते रात्री 12-1 वाजता केव्हाही त्यांना फोन करा, ते त्यांना उत्तर देतील, नाही त्यांनी उत्तर दिलं नंतर करतील, पण असं कधी होणार नाही की त्यांनी स्वतःहून आपल्याला फोन केला। आपण आज या ठिकाणी सगळेजण गोळा झाले, जे नूतन नगरचं नूतनीकरण जे बोर्ड बनवायचं आहे त्याकरता मी सर्वप्रथम
अमरबाई आणि शेरीबाई लून अमरबाई लून या दोघांचं हार्दिक अभिनंदन करतो आणि त्याचप्रमाणे असंच त्यांनी नूतन नगरमध्ये सहकार्य आम्हाला करावं. नूतन नगरच्या एरियाच्या म्हणजे सगळी जनता जी आहे नूतन नगरमधली त्यांच्या वतीने आणि माझ्या वतीने मी या दोघांचे खूप खूप आभार मानतो. असंच त्यांनी आम्हाला सहकार्य करावं हीच आमची इच्छा. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.